वेलकम दोस्तों, आज की टेक न्यूज वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 7a, गूगल पिक्सल फोल्ड, मोटरोला एज 40, आईफोन 15 प्रो, वीवो एक्स 100 सीरीज, टेक्नो केमन 20 प्रो, रेडमी के 70 सीरीज और बहुत सारी न्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गूगल की तरफ से। गूगल पिक्सल 7a जो स्मार्टफोन है इसके ऑफिशियल लीक हो गए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, और अलग अलग कलर वेरियंट के अलग अलग इमेजेस भी आप यहां पर देख सकते हैं। और गूगल पिक्सल फोल्ड जो स्मार्टफोन है ये ग्लोबल मार्केट में काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और आज इसके ऑफिशियल इमेजेस और हैंड्स ऑन इमेजेस लीक हो गए हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके जो बेजल्स है थोड़े से मुझे ज्यादा लगे, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोटोरोला एज 40 जो स्मार्टफोन है इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन तो कब के लीक हो ही चुके हैं, लेकिन आज इसके ऑफिशियल प्रोमो इमेजेस, हैंड्स ऑन इमेजेस और अलग अलग कलर वेरियंट के इमेजेस लीक हो गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और iPhone 15 Pro जो स्मार्टफोन है ये इस साल के एंड में हमें लॉन्च देखने को मिलेगा, और इसके कॉन्सेप्ट रेंडर्स लीक हो गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें आपको चिन भी काफ़ी ज़्यादा पतला देखने को मिलने वाला है। Vivo X100 सीरीज के जो तीनों ही स्मार्टफोन है इसके चार्जिंग की स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं, तो Vivo X100 और Vivo X100 Pro स्मार्टफोन में आपको 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर और साथ ही 50 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलने वाला है। और Vivo X100 Pro Plus जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर और 50 वोल्ट का चार्जिंग देखने को मिलने वाला है। टेक्नो केमन 20 प्रो जो स्मार्टफोन है ये काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और आज इसके ऑफिशियल हैंड्स ऑन वीडियो, लाइव इमेजेस और रिटेल यूनिट के लाइव इमेजेस लीक हो गए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। और ये काफी जल्दी इंडिया में भी अराउंड एक मंथ के अराउंड हमें देखने को मिलने वाला है। रेडमी के 70 सीरीज के जो स्मार्टफोन है ये काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इसके कुछ लीक सामने आए हैं जिसमें इसके प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं। रेडमी के 70 स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 चिपसेट देखने को मिलेगा, रेडमी के 70 प्रो स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट देखने को मिलेगा, और Redmi K70e स्मार्टफोन में आपको MediaTek 8300 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। Oppo Reno 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन है इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं, तो Oppo Reno 10 जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलेगी, स्नैपड्रैगन का 778G चिपसेट देखने मिलेगा, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, 4600 mAh के पावरफुल बैटरी और साथ ही 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। और Oppo Reno 10 Pro जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलेगी, MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट देखने मिलेगा, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, 4600 mAh के पावरफुल बैटरी और साथ ही 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है, और 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और Oppo Reno 10 Pro Plus जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 6.74 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिलेगी, और साथ ही स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 चिपसेट देखने मिलेगा, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, 4700 mAh के पावरफुल बैटरी देखने मिलेगी और 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। तो इन तीनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Samsung Galaxy Z Flip 5 जो स्मार्टफोन है इसके ऑफिशियल कॉन्सेप्ट रेंडर्स लीक हो गए हैं, जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। Samsung Galaxy Z Fold 5 जो स्मार्टफोन है इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस और साथ ही कॉन्सेप्ट रेंडर्स लीक हो गए हैं, जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बारे में आपको ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में Samsung Galaxy S24 जो स्मार्टफोन है इसके चार्जिंग की स्पेक्स लीक हो गए हैं, तो Galaxy S24 स्मार्टफोन में आपको 45 वॉट का वायर चार्जर देखने को मिलेगा और साथ ही 25 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। और बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।